वेलकम बैक टू लर्न इन टॉक्स। तो सबसे पहले तो आपको 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2021 का हमारा पहला वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कास्टिंग पाउडर के ऊपर में डिस्कस करेंगे। कास्टिंग पाउडर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यूस कास्टिंग जब करते हैं स्टील प्लांट के अंदर कास्टर के ऊपर में, तो कास्टिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि लुब्रिकेशन के लिए कास्टिंग का पाउडर का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अलावा और ये क्या काम करता है और इसका सिलेक्शन कैसे होता है, कब कौन सा कास्टिंग पाउडर लेना चाहिए, तो चलिए देखते हैं हम आगे इस वीडियो में। ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा एक फोटो दिया हुआ है कास्टिंग पाउडर का, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये कास्टिंग पाउडर है। ये ग्रेन्यूल साइज जो इसके थोड़े से बड़े हैं, मतलब कि ये थोड़ा महीन है। तो डेफिनेशन की बात करें तो कास्टिंग पाउडर सिग्निफिकेंटली मतलब मुख्य रूप से डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस ऑफ स्टील एट ऑल कास्टिंग स्पीड, मतलब सारे कास्टिंग स्पीड के ऊपर में, अलग अलग कास्टिंग स्पीड्स के ऊपर में कंटिन्यूस कास्टिंग का जो प्रोसेस है उसके स्थायित्व को मुख्य रूप से ये निर्धारित करता है। और ये बताता है कि भी अपने को कास्टिंग किस तरीके से करना है और लुब्रिकेशन कैसा होना चाहिए। द मेन फंक्शन ऑफ मोल्ड पाउडर आर टू प्रोवाइड स्ट्रैंड लुब्रिकेशन। जैसे कि अभी हमने बात की कि इसका जो खास काम है वो है मोल्ड पाउडर का लुब्रिकेशन करने का। तो ये स्टैंड जो है, स्टैंड मतलब कि जो आपका बिलेट बन के निकल रहा है उसका लुब्रिकेशन करता है ये। एंड टू कंट्रोल द मोल्ड हीट ट्रांसफर, और मोल्ड हीट ट्रांसफर को जो है वो कंट्रोल करता है। ये मोल्ड हीट ट्रांसफर कहाँ पर होता है? इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन बिटवीन द स्टील शेल, मतलब कि जो आपका स्टील शेल बन रहा है, एंड द कॉपर मोल्ड, मतलब कि जो आपका विलेट बन रहा है उसकी जो पहली परत है और जो आपका कॉपर मोल्ड है उसके बीच में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर को ये कंट्रोल भी करता है। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में और इसमें क्या है। तो हाउ कास्टिंग पाउडर वर्क्स, ये वैसे काम किस तरीके से करता है, तो चलिए इसको हम छोटे छोटे पॉइंट्स में समझ लेते हैं। तो कास्टिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज मोल्ड पाउडर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोल्ड पाउडर भी इसे कहा जाता है, या फिर इसे मोल्ड फ्लक्स भी कहा जाता है। मतलब इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन नाम हो गए, एक तो कास्टिंग पाउडर, दूसरा मोल्ड पाउडर और मोल्ड फ्लक्स। इसके अलावा ये इट स्प्रेड ऑन टॉप ऑफ हॉट मेटल इन मोल्ड रीजन, मतलब कि मोल्ड के अंदर में जहाँ पर आपका मेटल गिर रहा है तो उसका जो ऊपरी ऊपरी जो उसकी सतह है उसके ऊपर में हम इसको डालते हैं और ये वहीं पे जाके फैल जाता है। इट गेट्स मेल्ट एट डिफिनाइट रेट एंड फॉर्म्स अ मोल्टन ग्लेशियर स्लैग। एक निश्चित, मतलब कि जैसे समझना चाहिए कि 1 मिनट में कितना पाउडर मेल्ट हो रहा है, तो एक निर्धारित तो पहले से ही होता है कि भाई 1 मिनट में इतना मेल्ट होगा पाउडर, तो वो वहाँ पे जाके वो मेल्ट हो जाता है और एक स्लैग, एक ग्लेशियर स्लैग, मोल्टन ग्लेशियर स्लैग, मोल्टन मतलब कि पिघला हुआ स्लैग बनाता है वहाँ पे। दिस स्लैग्स फॉर्म अ थिन फिल्म और लेयर बिटवीन मोल्ड एंड स्ट्रैंड। और ये जो स्लैग है अपने अपना जो मोल्ड है, मतलब कॉपर का जो मोल्ड है और जो आपका स्ट्रैंड है, मतलब जो बिलेट बन रहा है, उसके बीच में जाके एक पतली सी लहर, सॉरी लेयर बनाता है। दिस लेयर प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन, और वही लेयर जो है वो लुब्रिकेशन का काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस मोल्ड फ्लक्स ऑल्सो एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर। ये एक थर्मल इंसुलेटर की तरह भी काम करता है, विच रिमूव्स इनऑर्गेनिक इंक्लूजन, मतलब कि आपका मेटल के अंदर में अगर कोई इनऑर्गेनिक इंक्लूजन है तो वो उसको भी निकाल देता है, जैसे कि मुख्य रूप से ये एल्यूमिना को। तो हमने ये देखा कि कास्टिंग पाउडर किस तरीके से काम करता है। चलिए आप आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में तो हम कास्टिंग पाउडर का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वीडियोस की जो हम तैयारी अब हमने की है तो उसमें हम कुछ डेफिनेशंस लेके आने वाले हैं, जिसमें कि स्टील डेंसिटी, विस्कोसिटी, प्रेशर, फ्लो, फोर्स, स्पीड, वेट, मास और पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कुछ कैसे खास टर्म्स है जो हमने यूज़ किए हुए हैं, जो हम जनरली हमको काम में भी आते हैं, तो इसी के हम सब डेफिनेशन की बात करेंगे। और ये जो डेफिनेशन पूरी है ये 2 पार्ट में हम लेके आएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अलग से जानना है, कुछ किसी चीज़ की परिभाषा जानना है, किसी चीज़ को समझना है, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम डेफिनेटली उसको हम हमारे अगले वीडियोज में लेके आएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो कास्टिंग पाउडर सिलेक्शन का यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया हुआ है, तो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कास्टिंग पाउडर इज डिपेंड ऑन फोर आइटम्स। ये मुख्य रूप से देखिए ये तो चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है आपका विस्कोसिटी, दूसरा है आपका मेल्टिंग पॉइंट, है आपका कार्बन कंटेंट, और चौथा है आपका बेसिसिटी। तो ये जो चार पॉइंट है इसको हम एक बार पहले थोड़ा थोड़ा सा देख लेते क्या है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ कास्टिंग पाउडर, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है विस्कोसिटी को, तो इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ कास्टिंग पाउडर। कास्टिंग पाउडर का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो विस्कोसिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। ये हमको बताना चाहिए कि हम जो कास्टिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं उसका विस्कोसिटी कितना है। हायर द कास्टिंग स्पीड लोअर द विस्कोसिटी। अगर आप हायर कास्टिंग स्पीड को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि ये देख सकते हैं आप ये तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है आपका, मतलब कास्टिंग पाउडर बढ़ रहा है, तो लोअर द विस्कोसिटी मतलब आप जो कास्टिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं उसका विस्कोसिटी कम होना चाहिए। मेल्टिंग रेट, मेल्टिंग रेट में इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये भी एक बहुत ही मुख्य फैक्टर है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन मेल्ट रेट और फीट रेट विद वेरिंग कास्टिंग स्पीड। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है दोस्तों। हम कई बार ऐसा होता है कि हम कास्टिंग स्पीड बढ़ा देते हैं लेकिन जो हम फीड रेट है या फिर बोलना चाहिए कि जो मेल्ट रेट है वो उसका हम कम ही रखते हैं या कम रह जाता है, या कभी कभी लोअर कास्टिंग स्पीड पर हम जरूरत से ज़्यादा मोल्ड पाउडर कंज्यूम कर देते हैं। तो ये एक मेल्टिंग रेट जो है वो निर्धारित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि वी कैन कैलकुलेट मेल्ट रेट बाय यूजिंग फार्मूला। हम मेल्ट रेट को जो है वो फार्मूला लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में फार्मूला तो नहीं लिया है क्योंकि उसका जनरली हमको ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो फिटिंग करते हैं वो जनरली मैनुअल फिटिंग करते हैं, मतलब हाथ से कास्टिंग पाउडर डालते हैं। जो मोल्ड ऑपरेटर्स होते हैं वो हाथ से डालते हैं। इसके बाद में एक टर्म है कार्बन कंटेंट। तो कार्बन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन थ्रू मोल्ड पाउडर। आपको पता होना चाहिए कि मोल्ड पाउडर जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर में भी कार्बन परसेंटेज होता है कुछ, तो वो जो कार्बन परसेंटेज है वो कितना, मतलब कि जरूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, जरूरत से कम भी नहीं होना चाहिए, और आप जो मेटल बना के ला रहे हो और उसके अंदर में कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, तो ये कॉम्बिनेशन पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इससे भी आपका जो है वो कास्टिंग पाउडर सिलेक्शन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हायर द कास्टिंग स्पीड लोअर द कार्बन परसेंटेज। जैसे कि अभी हमने इसके पहले बात की थी विस्कोसिटी, यहाँ अगर हम कास्टिंग स्पीड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कास्टिंग स्पीड अगर हम चला रहे हैं तो हम जो कास्टिंग पाउडर यूज़ करेंगे वो उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये जो कार्बन परसेंटेज है यहाँ पर लोअर द कार्बन परसेंटेज, मतलब कि आप इसको ये तीर के निशान से तीर के ये जो एरो का सिंबल है इससे भी आप समझ सकते हैं कि हायर द कास्टिंग स्पीड, ये देखेंगे आप कि लोअर द कार्बन परसेंटेज, मतलब कार्बन परसेंटेज उसमें कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मोल्ड स्टिक करने लगेगा आपका, और कई बार ऐसे संभावना बन सकती है कि ब्रेकआउट्स भी हो या फिर ब्लेड में क्रैक्स भी आ सकते हैं। उसके बाद में है बेसिसिटी। बेसिसिटी इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ CaO एंड CaO टू SiO2। आप जब भी कास्टिंग पाउडर सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो आप जब उसका आप एक स्पेसिफिकेशंस मंगवा सकते हैं, उस स्पेसिफिकेशन में ये लिखा रहेगा CaO या डबल डॉट, मतलब उसका हमने रेशियो कंसिडर किया है किससे, SiO2 से। तो ये जो आप देखोगे तो रेशियो शुड बी नियर टू 1, ये जो रेशियो है वो तकरीबन 1 के नज़दीक होना चाहिए। हियर 1 इज कंसिडर इज मीडियम बेसिसिटी, यहाँ पर 1 को हम मीडियम बेसिसिटी कहते हैं। 1 से ज़्यादा होगा तो हाई बेसिसिटी और 1 से कम होगा तो लो बेसिसिटी। छोटा सा नोट है कि ये जो CaO है, SiO2 है, Al2O3 है, CaF2 है, Na2O है, ये सब जो है ये कास्टिंग पाउडर बनाने के लिए जो हम कंटेंट्स यूज़ करते हैं ये सब वही कंटेंट्स हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसके रॉ मटेरियल्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और नोट है यहाँ पे कि कास्टिंग पाउडर शुड बी हीटेड अप टू मिनिमम ऑफ 70 डिग्री। जब भी हम कास्टिंग पाउडर को गर्म करें तो वो 70 डिग्री तक जरूर गर्म करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कास्टिंग पाउडर गर्म तो कर देते हैं लेकिन गर्म करने के लिए जब रखते हैं तो वो अपनी निचली सतह तक गर्म होता है लेकिन ऊपर तक उतना गर्म नहीं हो पाता है, और ऊपर तक 70 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, लेकिन हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमको थोड़ा सा झटका जरूर लगता है, लेकिन फिर भी वो 70 डिग्री तक गर्म होना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका जो लुब्रिकेशन है बिल्कुल प्रॉपर होगा और आप अलग अलग तरीके के ब्रेकआउट से, अलग अलग तरीके के जो बिलेट में प्रॉब्लम आते हैं उनसे आप बच पाएंगे। इन जनरल वी यूज 400 ग्राम्स टू 1 kg ऑफ कास्टिंग पाउडर पर टन।
आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम जब कास्टिंग पाउडर डालते हैं तो एक टन मेटल के पीछे में हम 400 ग्राम या 300 ग्राम से, 300 मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन 300 ग्राम भी हो सकता है कि 300 ग्राम से लेके 1 kg तक हम कास्टिंग पाउडर कंज्यूम करते हैं इन डिफरेंट कास्टिंग कंडीशंस, अलग अलग कास्टिंग कंडीशंस में। वैसे नियम के हिसाब से देखा जाए तो 300 ग्राम बहुत ही एकदम परफेक्ट फिगर है यूज़ करने के हिसाब से। अब ये डिफरेंट जो कास्टिंग कंडीशन है ये क्या हो सकती है, तो वो जो डिफरेंट कास्टिंग कंडीशन कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि कास्टिंग स्पीड आपका कितना चल रहा है, आपका मोल्ड का कूलिंग कितना है, सुपर हीट कितना है, आपका मेटल का केमिस्ट्री कितना है, खासकर कि कार्बन परसेंटेज कितना है, सेक्शन साइज कितना है, आपका कौन सा सेक्शन यूज़ कर रहे हो आप, स्ट्रोक लेंथ कौन सा है, फ्रिक्वेंसी कितनी रखी है आपने, और नेगेटिव स्ट्रिप आपका मशीन का क्या है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं आपको वो पता होना बहुत ही ज़रूरी है और इनको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। और इन सब के साथ में अगर आप कास्टिंग पाउडर को यूज़ करेंगे, आप हाई स्पीड पर जा रहे हैं तो लो विस्कोसिटी लो कार्बन परसेंटेज वाला ले सकते हैं कास्टिंग पाउडर, और उसको यूज़ करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके कास्टर जो है बहुत ही स्मूथ तरीके से और लुब्रिकेशन जो है बहुत ही स्मूथ तरीके से हो पाए। ये एक छोटा सा यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे छोटा सा, तो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कास्टिंग पाउडर आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कार्बन परसेंटेज लिखा हुआ है तो कार्बन परसेंटेज ये 0.8 से लेके 1.3 तक अगर है, 0.08 से लेके 1.18 तक है, या फिर 0.08 का है, तो यहाँ पे एक कास्टिंग स्पीड भी लिखी हुई कि 1.25 तक अगर आपकी कास्टिंग स्पीड है, तो जो बाकी का ये जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं जैसे CaO, SiO2, फिर ये जो रेशियो हमने देखा था बेसिसिटी वाला, विस्कोसिटी, बल्क डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है उसका, सॉलिडिफाई पॉइंट कितना है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमको पता होना जरूरी है। ये जो टेबल से हमको पता चलता है कि किस कास्टिंग स्पीड तक के लिए कौन सा पाउडर हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पे तीन अलग अलग कास्टिंग स्पीड ली हुई है, जैसे 1.25, 1.8 एंड 2.5, ये तीन कास्टिंग स्पीड ली हुई है और तीनों के हिसाब से उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन बना के दिया हुआ है कि इस कॉम्बिनेशन का आप कास्टिंग पाउडर अगर यूज़ करेंगे तो इस स्पीड तक के लिए वो बेस्ट रहेगा। अगर आपके मशीन का स्पीड 2.5 से ऊपर जा रहा है, आजकल मशीन 4 मीटर 5 मीटर भी चलने लगा है, तो अगर वहाँ तक अगर जा रहा है तो उसके लिए स्पेशल ग्रेड्स के आते हैं, और फिर वहाँ पर ग्रैनुलर साइज आपका क्या है, कितना मोटा आपका कास्टिंग पाउडर है, तो इस पर वो डिपेंड करता है। वो मैंने अभी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, लेकिन वो स्पेशल ग्रेड्स के कास्टिंग पाउडर होते हैं और उनको भी फिर हम यूज़ कर सकते हैं ये बता के कि हम जो है वो हमारा कास्टिंग स्पीड हायर यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये आज का कास्टिंग पाउडर का छोटा सा लेक्चर था, बिल्कुल फास्ट था, ये समझ में आया होगा। हम इसमें और भी डिटेल में आगे बात करेंगे। अगर आपके पास में अगर कोई क्यूरी है को जरूर बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको एक कैसा लगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, बाय बाय। वेलकम बैक टू